अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरी वन। माई सेल्फ अभिषेक सिंह फ्रॉम एग्री मेंटर्स, और आज हम लोग सॉइल साइंस में मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉइल ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ब्लैक सॉइल की बात करें तो हमें स्टार्ट करना चाहिए उसके फॉर्मेशन से। फॉर्मेशन मतलब उसका पेरेंट मटीरियल, और इससे आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा सॉइल है जिसका पेरेंट मटीरियल बेसिक है या जिसका पेरेंट मटीरियल स्मेक्टाइट है। तो ब्लैक सॉइल की जो खास बात है वो ये है, इसका पेरेंट मटीरियल जो है वो स्मेक्टाइट होता है। स्मेक्टाइट आपका एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ क्ले है, मतलब स्मेक्टाइट के अंदर वाटर की लेयर आ जाती है। स्मेक्टाइट क्ले सिलिकेट में वाटर की लेयर आती है जिस वजह से वो एक्सपेंड करता है, और जब वाटर की लेयर रिमूव होती है तो वो श्रिंक करता है। इसलिए हमारी ब्लैक सॉइल में इसके स्वेलिंग और श्रिंकेज से ही क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो हम ब्लैक सॉइल की बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है इसका जो बनने का प्रोसेस है उसमें आपका पेरेंट मटेरियल है स्मेक्टाइट, और इसमें बेसोल्ट। बेसोल्ट एक बेसिक इग्नीशियस रॉक है जिससे आपका ब्लैक सॉइल बनता है। ये बेसिक रॉक है आपका बेसोल्ट, इसलिए जो आपकी ब्लैक सॉइल का पीएच रहता है वो जनरली न्यूट्रल से एल्कलाइन की तरफ रहता है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हमने देखी इसका पेरेंट मटेरियल आपका वह स्मेक्टाइट जो एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ क्ले है, दूसरा बेसोल्ट और तीसरा बेसिक नेचर का। ओके, इसके बाद हम बात करें, हमने कहा स्मेक्टाइट है, वाटर आया स्वेल किया, वाटर गया श्रिंक किया, तो इसी की वजह से क्रैक डेवलप हो जाते हैं। और इन क्रैक से दो इम्पॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स हैं, एक हो गया आपका माइक्रो रिलीफ किल गई, और दूसरा होता है आपका इंटरसेक्टिंग सिकन स्लाइड्स। ओके, और इतना ही नहीं, इसमें टाइट की वजह से जो स्वेलिंग श्रिंकेज होती है, क्रैक्स तो डेवलप होते ही हैं मगर इसको हम चर्निंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो बी प्रोफाइल है कई बार इसमें आपका बी प्रोफाइल अब्सेंट हो जाएगा, और इसी वजह से आपको इल्यूविएशन, आई वाला इल्यूविएशन और ई वाला इल्यूविएशन दोनों कई बार इसमें आपको प्रोसेस देखने को नहीं मिलते हैं। अब हमने ब्लैक सॉइल की बात की, हमने स्मेक्टाइट की बात की, तो एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, इसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है। हमने कहा इसमें स्मेक्टाइट क्ले कंटेंट है, इसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है 30-80%। देख रहे हो आप, इतना ज़्यादा 30-80% तक आपका ब्लैक सॉइल में क्ले कंटेंट हो सकता है। और आपका इसका थोड़ा पीएच हमने कहा था बेसिक रॉक है, तो थोड़ा सा पीएच भी इसका बेसिक है। बेसिक मतलब इसमें थोड़े बहुत एक्सचेंजेबल कटायंस जो हैं आपके वो ज़्यादा होते हैं, और एक्सचेंजेबल कटायन आपके सॉइल में कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी थोड़ा बढ़ाता है। तो इसलिए ब्लैक सॉइल में आपका क्ले कंटेंट ज़्यादा है, और ब्लैक सॉइल की आपकी सीईसी भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ब्लैक सॉइल के बारे में बस दो बातें और, ये सॉइल जब ड्राई होती है तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाती है, बहुत हार्ड होती है, ये भी इसका एक फीचर है। ऐसा लेटराइट सॉइल में भी होता है मगर ऐसा ब्लैक सॉइल में भी होता है। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो एक ऑर्डर प्रेजेंट है, जो हम खास तौर पे हम बोलते हैं वर्टिसोल है, तो अगर हम डीप ब्लैक सॉइल की बात करें तो उसमें वर्टिसोल ही होता है। शेलो की बात करें तो उसमें आपको एंटीसोल इंसेप्टिसोल मिल सकते हैं, मगर जनरली हम डीप ब्लैक सॉइल की बात करते हैं जिसमें आपका वर्टिसोल होता है। सो आज के लिए ब्लैक सॉइल के बारे में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे सॉइल साइंस के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।